हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे पास ये एम आई का फ़ोन है Y2 और इसकी जो टच है वो प्रॉपरली चल रही है। मैं आज आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि आप फोन पर कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आप। ये मेरे पास न्यू फोल्डर है इसका, इसकी टच चल रही है। चलिए इसको ओपन करते हैं। मैंने इसमें जो सिम ट्रे है वो पहले से निकाल रखी है मैंने। अब देखेंगे यहाँ से साइड से, यहाँ से गैप दिखेगा आपको, होल्डर और पीछे बैक कवर एक गैप होगा। उस गैप को हम खोलने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये एक टूल है, एक टाइप है, इससे मैं इसको ओपन करूँगा इस तरीके से। आपको इसको ध्यान से ओपन करना है। इस तरीके से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा ओपन करना थोड़ा मुझको मुश्किल है, पर आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो कनेक्टर होगा वो भी जो टच के लिए होता है, जो फिंगर टच के लिए होता है, वो कनेक्टर यहाँ लगा होगा। इसको हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। जो बैक फ्रेम था वो अलग हो चुका है। देखेंगे यहाँ पर हम कुछ स्क्रू हैं, जो फ्रेम है इसको हमें ओपन करना है, तो ये जो स्क्रू हैं इसको ओपन कर लेंगे। जितने भी स्क्रू हैं तो हम सब ओपन कर लेंगे। नीचे भी देखेंगे, नीचे भी यहाँ पर भी एक फ्रेम है, यहाँ पर भी हम जो स्क्रू है उसको भी ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम जिसको फ्रेम है इसको फ्रेम को ओपन करेंगे। ये देखेंगे ये कनेक्टर है, ये जो केबल है, ये डिस्प्ले केबल है और ये आपकी बैटरी केबल है, कनेक्टर है। सबसे पहले हम बैटरी रिमूव करेंगे। ये आपकी बैटरी रिमूव हो गई और ये जो केबल है ये मदरबोर्ड से जो नीचे आपका चार्जिंग कनेक्टर है वहाँ आता है, चार्जिंग कनेक्टर आता है यहाँ पर, और यहीं पर आपकी टच केबल, जो टच का जो केबल होती है कनेक्टर होता है वो यहाँ लगता है। ये जो डिस्प्ले केबल है इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। ऐसे सिंपल है, सिंपल आप इसको ओपन कर सकते हो। आपको उसको ऊपर में इसको हल्का पुश करना है आराम से। और ये साइड में देखेंगे पतली केबल होती है, ये आपकी नेटवर्क वायर होती है, इससे आपका सिम, जो सिम का जो नेटवर्क आता है वो इसी से आता है। ये साइड में देखेंगे आप ये ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आपको ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम के लिए अप डाउन होता है। यहाँ से कुछ आप निकाल सकते हो या नहीं भी, कोई इशू नहीं इसके लिए। तो मैंने इसको निकाल दिया है। सबसे पहले हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। बैटरी इसको बहुत आराम से आपको उसको बैटरी रिमूव करनी है। मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है कि वीडियो मेरी थोड़ी कम टाइम की बने, इसलिए अब बैटरी में हो गई है। अब मैं इसके जो फोल्डर है उसको निकालता हूँ। निकालने के लिए मेरे पास ये हॉट गन है, ये गर्म हवा निकालता है, इस गर्म हवा से मैं इसको हल्का हल्का हीट करूँगा। हीट करने के बाद मेरे पास ये ब्लेड है, मैं इस ब्लेड से इसको जो गैप होता है बीच में उसको निकालने की कोशिश करूँगा, उसको हटाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ब्लेड यूज करते हैं तो प्लीज़ ध्यान से यूज करें, क्योंकि इसमें जो धार होती है बहुत तेज होती है। मैं बीच बीच में इसको हीट करूंगा और इसी ब्लेड से इसको
अलग करने की कोशिश करूंगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो जो इसमें जो ग्लू होता है फोल्डर के जिससे फिक्स होता है वो फटना चालू जाता है, जिससे हम जो फोल्डर को आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये जो मैं डिस्प्ले की गलती इसको हम निकाल लेंगे आराम से। और यहाँ जो टच जो जो टच की केबल आ रही थी उसके लिए हम जो यहाँ कनेक्टर्स को अलग कर लेंगे। और यहाँ देखेंगे हमें छोटा सा एक होल है ये यहाँ पर, जिससे ये जो केबल है ये बैक साइड में आ रही है, इसको आराम से पुश करेंगे हम। फोल्डर अलग हो गया, फिर बस ये न्यू फोल्डर है। यहाँ देखेंगे साइड में हल्का ग्लू होता है बचा रह जाता है, उसको हम निकाल लेंगे। वो इसलिए कि जब बाद में जो न्यू फोल्डर लगाएंगे वो आसानी से फिक्स हो जाए, लेकिन प्रॉपरली फिट हो, उसमें कोई गैप ना रह जाए। मेरा साफ हो चुका है, तो मेरे पास फोल्डर चिपकाने का ग्लू है फिक्स करने के लिए। साइडों में हल्का हल्का मैं यहाँ पर इसको ग्लू लगा लूँगा। ग्लू लगाने के बाद मेरा फोल्डर है, इसमें दो केबल हैं डिस्प्ले और टच के लिए। जिस छेद से होल से मैंने इसको निकाला था उसी होल से दोबारा इसको इसके अंदर पुश करके बैक साइड में यहाँ को निकाल दूंगा इसे इस तरीके से। केवल निकालने के बाद फोल्डर को अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो आराम से ध्यान से फिक्स करना है, ज़्यादा जोर से इसको पुश नहीं करना। मेरा फोल्डर फिक्स हो चुका है। और ये देखेंगे यहाँ पीछे केबल है, केबल के पीछे एक स्टिकर होता है जिससे जो हमारी केबल है वो आराम से प्रॉपरली यहाँ फिक्स हो जाए। तो मैं निकाल के यहाँ मैं इसको प्रॉपरली फिक्स कर लूँगा। फिक्स होने के बाद जो यहाँ चार्जिंग कनेक्टर था उसको मैं उसको भी यहाँ फिक्स कर लूँगा मैं। ये जो केबल है ये मदरबोर्ड से आ रही है और ये जो हमारी जो केबल है वो टच की है। इन दोनों को मैं यहाँ पर इसको यहाँ फिक्स कर लूँगा। इसको आप आराम से प्यार से इसको सब पुट करना है, कनेक्टर आराम से पुट हो जाएंगे। ये नेटवर्क वायर और ये मैं इसमें बैटरी लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगा। ये फिक्स हो गया, ये प्रॉपरली सब कुछ फिक्स है। ये एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, डिस्प्ले आ चुका है, टच भी चल रही है, टच ये सब प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये देख सकते हैं टच प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैंने इसको ऑफ कर दिया है, मैं जो जो बाकी फ्रेम है उसको फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स करने के बाद जो फिंगर टच था उसको भी मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसको जो बैक कवर था उसको पूरा फिक्स प्रॉपरली फिक्स कर देता हूँ। ये हमारा फोन रेडी है और मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ये प्रॉपरली हमें टच कर रही है, इसलिए भी प्रॉपर आ रहा है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।